So today we will start new chapter, Anita and the honeybees. Here in this picture you can see a honeybee is there and it is carrying four bags full of honey. Okay, so this is a true story about a girl named Anita, and she used to do something with the honeybees. Okay, so we will just see what is happening in this story. Okay, let's enjoy. This is a true story. Anita Kushwaha is a girl star. ये किसकी स्टोरी है? Anita Kushwaha की, और वो क्या है? एक girl star है. Girl star is a project which tells extraordinary tales of ordinary girls who have changed their life by going to school. और girl star क्या है? एक project है जो कहानियां बताता है उन आम लड़कियों की जिन्होंने अपनी जिंदगी को स्कूल जाकर बदल दिया है. ठीक है, तो Anita Kushwaha भी उनमें से एक है, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे. अब Anita Kushwaha अपनी स्टोरी खुद बता रही है. My name is Anita Kushwaha. I live in Bochaha village. This is in Muzaffarpur district in Bihar. मेरा नाम Anita Kushwaha है. मैं Bochaha village में रहती हूँ. और Bochaha village कहाँ पर है? Muzaffarpur district in Bihar. तो चलिए एक बार हम मैप में पहले देखते हैं, फिर आगे स्टोरी देखते हैं. ये है मैप, और देखिए इसमें यहाँ पर ये क्या है, ये ग्रीन कलर का बिहार है. इसके यहाँ पर उत्तर प्रदेश है. कहाँ कहाँ से घिरा है? उत्तर प्रदेश, झारखंड और वेस्ट बंगाल. और ऊपर क्या है इसके? नेपाल. तो ये है बिहार. अब बिहार में कहाँ पे थी वो? मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट. तो ये है मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट. ओके, इसके पास ही उसका जो गांव बुछाहा था वो यहीं पर था. तो अब हम इसकी स्टोरी देखते हैं. आई स्टे विथ माई पेरेंट्स एंड टू यंगर ब्रदर्स. मैं वहां पर अपने पेरेंट्स और अपने दो छोटे भाइयों के साथ रहती थी. आई स्टडी इन कॉलेज. बिसाइड्स स्टडिंग आई टेल यंग चिल्ड्रन आई ऑल्सो कीप हनी बीज. मैं अपने पेरेंट के साथ रहती थी, दो छोटे छोटे भाई थे, और मैं कॉलेज में पढ़ती थी, और वहाँ पढ़ने के साथ साथ मैं क्या करती थी, छोटे बच्चों को पढ़ाती भी थी और हनी बीज भी अपने रखती थी. ऑल दिस हैज नॉट बीन ईजी फॉर मी. ये सब जैसे मैं बता रही हूँ वैसा नहीं, इतना ईजी नहीं था. वेन आई वॉज यंग आई यूज टू स्पेंड ऑल माई टाइम विथ माई गोट्स एज दे ग्रेस्ड फॉर फूड. जब मैं छोटी थी तो मैं अपनी बकरियों को चराने के लिए जाया करती थी. I also wanted to go to school, but my parents did not like the idea of girls going to school. मैं भी स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स को लड़कियों का स्कूल जाना पसंद नहीं था. A dream of school. One day I peeped into the school in our village. Peeped मतलब झांकना. जैसे देखिए ये जो है इस तरीके से, वो एक दिन अपने स्कूल जो था विलेज का वहां पर पीप कर रही थी, मींस झांक रही थी. She is peeping from the door. Okay. I could not stay away. I silently went and sat down. वो यहाँ देखती रही पहले, फिर उसके बाद वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई. वो चुपचाप जाकर वहां बच्चों के पीछे जाकर बैठ गई. आई फेल्ट सो हैप्पी. और उसको बहुत खुशी मिली. आई वेंट होम एंड पिक्ड अप करेज टू टॉक टू माय पेरेंट. और फिर घर जाकर उसने अपने पेरेंट्स मतलब हिम्मत जुटाई और अपने पेरेंट्स से बोला कि मुझे स्कूल जाना है. बट दे टोल्ड मी क्लियरली दैट आई कुड नॉट डू सो. दैट डे आई क्राइड एंड क्राइड. और उसने बोला कि मुझे स्कूल जाना है, लेकिन उन्होंने बोला नहीं तुम नहीं जा सकती. और ये बात सुनकर वो पूरे दिन रोती रही. One of the teachers in my village explained to my parents why it is important to study. और उसके विलेज का जो स्कूल था वहाँ के एक टीचर ने जाकर घर पर आए और उनके पेरेंट को बोला कि स्टडी करने का क्या जरूरत है, क्या इम्पोर्टेंस है. द टीचर टोल्ड देम दैट दे वुड नॉट हैव टू पे एनीथिंग फॉर माई एजुकेशन अप टू क्लास 8. उन्होंने कहा कि क्लास 8 तक जो फ्री एजुकेशन मिलती है उसके अंतर्गत आपकी बेटी पढ़ेगी, आपको कुछ फीस नहीं पे करनी पड़ेगी. The teacher said that it was the right of every child to go to school. और उसने कहा कि हर बच्चे का ये अधिकार है कि वो कहाँ जाए, स्कूल जाए. Somehow my parents agreed. किसी तरह से उसके पेरेंट जो थे वो तैयार हो गए. I started going to school. I did not get high marks. उसने स्कूल जाना चालू किया. I did not get high marks. उसको अच्छे मार्क्स नहीं मिलते थे. But I always asked many questions. मतलब उसको ऐसा नहीं था कि स्कूल में बहुत अच्छे मार्क्स मिलते थे, लेकिन वो हमेशा क्या करती थी, क्वेश्चंस पूछा करती थी. उसको जो भी उसकी क्वेरीज होती थी वो क्वेरीज पूछती थी. तो ये तो अच्छी बात है कि आपकी जो क्वेरीज है वो आपको क्या करनी चाहिए, पूछनी चाहिए. फाइंड आउट हाउ मच मनी डू यू स्पेंड इन वन ईयर फॉर वेरियस स्कूल रिलेटेड थिंग्स. अब आपको ये पता करना है, जैसे अब मैंने एक जनरल बनाकर रखा हुआ है, आप अपने हिसाब से भी इसको पता कर सकते हैं. तो कितना पैसा आप स्कूल की थिंग्स में खर्च करते हैं, जैसे ट्रैवल टू स्कूल एंड बैक. जिनका अगर पास में उनको तो नहीं, लेकिन जो बच्चे बस में जाते हैं या ऑटो में जाते हैं तो उनको बस का किराया देना होता है. फिर नोटबुक्स, तो नोटबुक्स होती हैं, आपको नोटबुक्स खरीदनी पड़ती हैं हर सब्जेक्ट की अलग अलग. फिर स्टेशनरी होती है,
पेन पेंसिल स्टेशनरी यूनिफॉर्म बैग स्कूल बैग, ये देखिए स्कूल बैग मतलब ये सारी चीजें हैं, ये स्टेशनरी हो गया, लंच बॉक्स टिफिन बॉक्स, ठीक है। और ये आपको यूनिफॉर्म खरीदनी होती है स्कूल की, और आपको शूज खरीदने होते हैं, सॉक्स खरीदने होते हैं, तो ये सारी चीजों का एक्सपेंस कितना होता है ये हम एक बार चेक करते हैं। जैसे ट्रेवल टू स्कूल एंड बैक, अगर बाई चांस हम बस से आ जा रहे हैं तो सपोज कीजिए 3000, और ये डिस्टेंस के हिसाब से वैरी करता है, अगर आप ज्यादा दूर रहते हैं तो ये पैसा ज्यादा होगा। नोटबुक्स नियर अबाउट 1500, पेन पेंसिल स्टेशनरी नियर अबाउट 500, यूनिफॉर्म नियर अबाउट 1500, स्कूल बैग नियर अबाउट 500, लंच बॉक्स और बॉटल्स 400, शूज एंड सॉक्स, शूज लिया सॉक्स लिया 800, और दूसरी चीजें जैसे फीस स्कूल की लगी, ठीक है, जैसे अभी आपके स्कूल के हिसाब से 7200, कोई प्रोजेक्ट बनाने दे दिया उसका खर्चा 500, तो ये सारा टोटल मिलाकर लगभग लगभग 15900, मतलब समझ लीजिए 16-17 हजार रुपए लग जाता है एक बच्चे को साल भर में ये सारी चीजें लाने के लिए। और ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन और स्कूल टू स्कूल, डिस्टेंस आपका कितना है इन सारी चीजों में। स्टेइंग इन स्कूल, टाइम पास्ड एंड सून आई कंप्लीटेड क्लास 5th, और टाइम बीतता गया और उसने क्या किया क्लास 5th खत्म कर ली। आई न्यू दैट वी वुड नीड टू स्पेंड मोर इन क्लास 6th, अब क्लास 6th में ज्यादा पैसा लगेगा। माई पेरेंट्स सेड दैट इट वॉज टाइम फॉर मी टू लीव स्कूल, तो पेरेंट ने कहा कि चलो फीस नहीं लग रही है लेकिन बाकी खर्चे तो हैं तो तुम अब स्कूल छोड़ दो। बट आई वॉन्टेड टू स्टडी मोर, लेकिन वो और पढ़ना चाहती थी। आई फाउंड अ वे टू डू दिस, और उसने उसका एक तरीका निकाला। आई स्टार्टेड टू टीच यंगर चिल्ड्रन, उसने बोला मैं छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ। फॉर द मनी दैट आई गॉट आई वॉज एबल टू कंटिन्यू माई ओन स्टडीज, और मुझे जितना पैसा मिलेगा उस पैसे से मैं क्या करूंगी बच्चों अपनी स्टडी को कंटिन्यू करूंगी। ये देखिए इसने क्या किया, बच्चों को पढ़ाना चालू कर दिया। क्लास 6th में जैसे ही पहुंची, जब उसके मदर फादर ने कहा कि हम पैसा नहीं खर्च करेंगे, उसने पढ़ाना चालू किया। वन स्वीट मेमोरी, आई रिमेम्बर सम ओल्डर बॉयज इन माई विलेज ऑल्सो यूज टू टीच यंग चिल्ड्रन, और भी कुछ जो उसके यहाँ और भी लड़के थे बड़े उससे वो बच्चों को पढ़ाया करते थे। दे डिड नॉट लाइक इट व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग, और जब इसने टीचिंग स्टार्ट की तो उनको अच्छा नहीं लगा। दे स्टार्टेड टू स्कोल्ड एंड स्केयर द चिल्ड्रन, और वो क्या करते थे जो बच्चे उसके पास जाते थे उनको मारते डांटते थे और डराते थे। सो दैट दे वुड नॉट कम टू मी, ताकि वो उनके पास ना जाए। फॉर सम टाइम ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट टू, एक समय ऐसा आया कि सारे बच्चों ने उसके यहाँ से पढ़ना छोड़ दिया, केवल दो बच्चे उसके पास पढ़ने आते थे। स्टॉप्ड कहा, बट सून दे ऑल केम बैक, लेकिन थोड़े ही समय बाद वो फिर से सारे वापस आ गए। क्यों? बिकॉज आई यूज टू टीच देम विद लव एंड केयर, क्योंकि मैं उनको बहुत ध्यान पर दे देती थी और उनको प्यार से पढ़ाती थी। तो अभी आपने ये स्टोरी देखी है, अब इसके बाद का जो है हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं या जो भी कुछ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल।